हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का फ्रेंड, आपका टीचर, यूं कहो आपका कलीग। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी, नेट सेट एग्जाम प्रिपरेशन की तरफ से। काफ़ी दिनों से कोई वीडियोस मेरी नहीं आ रही थी क्योंकि मैं काफ़ी बिजी शेड्यूल में था और मुझे काफ़ी कैंडिडेट ने मैसेजेस किया, यूट्यूब पे भी मैसेजेस आ रहे थे और काफ़ी लोगों ने कॉल भी किया क्योंकि मेरा नंबर वहाँ पे अवेलेबल होता है, आप मुझे कभी भी कॉल करो। कभी भी इन द सेंस, अगर आपको शाम को 6 से लेकर 9 बजे के बीच में अगर कॉल करोगे तो वो काफ़ी बेटर होगा। मेरा नंबर है 9028179848। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो वीडियो है कि इस बार कितने कैंडिडेट एक्सपेक्टेड पास हो सकते हैं एमएससेट एग्जाम में, कितने कैंडिडेट एक्सपेक्टेड पास हो सकते हैं एमएससेट एग्जाम में। तो इसका जो लॉजिक होता है वो एक लॉजिक, एक बेसिक रिसर्च बेस के ऊपर होता है। तो ये देखिए, लास्ट ईयर की एग्जामिनेशन थी 23rd जून 2019 में जो एग्जाम कंडक्ट की गई थी। तो इस एग्जाम के बेस पे मैं आपको कुछ एक एनालाइज डेटा बताता हूँ। सबसे पहले मुझे काफ़ी लोग ऐसे वीडियोस में जैसे बताते हैं कि सर आप ये कैसे कैलकुलेट करते हो। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी गाढ़ी स्टडी होनी चाहिए, मतलब आपको डिटेल में वेबसाइट के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे एमएससेट की एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जैसे आप यूनिपुणे की वेबसाइट पे जाते हो तो वेबसाइट पे आपको पिछले साल का रिजल्ट दिखेगा और उस रिजल्ट में कितने कैंडिडेट अपीयर थे, कौन से सब्जेक्ट पे कितने कैंडिडेट अपीयर थे और कौन से सब्जेक्ट में कितने कैंडिडेट पास हुए, ओवरऑल टोटल कितने पास हुए, क्वालिफाइड कितने हुए और पासिंग क्राइटेरिया कितनी थी, ये सब आपको डिटेल में समराइज करना होता है, समझना होता है और उसके बाद ही आप एक नया सा रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो गाइस, मैं हूँ प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी, आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए हुए रेड बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी दबाना ना भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो हम शुरू करते हैं। तो ये है महाराष्ट्र स्टेट 23rd जून 2019 का रिजल्ट। अगर आप 2019 के रिजल्ट के हिसाब से देखो तो 2020 का रिजल्ट एक्सपेक्ट करना काफ़ी इजी हो जाएगा। देखो, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट पिछले साल जून में 23 जून को टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपीयर हुए थे, तो वो हुए थे 79,879। अगर आपको यहाँ पे प्रॉपरली अगर नहीं दिखता हो तो मैं जो बोल रहा हूँ आप रिकॉर्ड कर सकते हो और पेज पे लिख सकते हो। तो लास्ट ईयर कैंडिडेट अपीयर थे 79,879 ओवरऑल पूरे महाराष्ट्र में जितने भी सब्जेक्ट्स थे, और उनमें से कैंडिडेट क्वालिफाइड कितने हुए थे, तो कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए थे 5,415। क्वालिफाइड कैंडिडेट वाज 5,415। तो अगर हम ये बेसिकली देखा जाए तो 79,879 डिवाइडेड बाय अगर आप 14.48 करोगे तो जनरली रिजल्ट इतना आएगा 5,416, मतलब 1615 आसपास ये एक ही कैंडिडेट का फर्क होता है। तो मतलब क्वालिफाइड रेट कितना था, मतलब क्वालिफाइंग फैक्टर जो था वो परसेंटेज थे 14.48। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र सेट एग्जाम में 28 जून 2020 को जो होने वाली है उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर होने वाले हैं वो है अराउंड 1,11,106 और इसकी पूरी लिस्ट भी आ गई है यूनिपुणे के वेबसाइट पे। आप चाहो तो अपना नाम भी उसमें चेक कर सकते हो। सिंपल सा लॉजिक क्या है कि अगर आपको ये चेक करना है कि आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं की है तो आपका नाम उस लिस्ट में आएगा। यूनिपुणे की वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे अपडेट में एक दिया हुआ है, जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो लिंक को क्लिक करने के बाद आपके सामने उसका नंबर आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने वहाँ पे है और आपका भी नाम उसमें मिलेगा। इट इज़ स्टार्टिंग लाइक ABCD इन जैसे हम डिक्शनरी फॉलो करते हैं वैसे ही, ठीक है। तो इस बार महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम में 28 जून 2020 में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने अपीयर होंगे वो होंगे 1,11,106। ये यहाँ पे मतलब टोटल इतना डेटा है। अभी कुछ कैंडिडेट एग्जाम तक नहीं पहुँच पाते या तो कुछ कैंडिडेट एग्जाम में अपीयर होना नहीं चाहते, वो उनका खुद का मैटर है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप इतना पकड़ के चलो कि इस बार महाराष्ट्र में
इस बार महाराष्ट्र में 28 जून 2020 में जो एग्जाम होने वाली है संडे को, उसमें 1,11,106 कैंडिडेट बैठेंगे पूरे महाराष्ट्र में, ठीक है। तो उनमें से अगर आप ये देखो पिछले साल का जो मतलब डिवाइडिंग फैक्टर था उसको अगर पकड़ के चलो तो क्या आता है, 1,11,106 डिवाइडेड बाय अगर 14.48 करते हो, जैसे ये 23 जून में हुआ था, इतना ही अगर हम करते हो तो कैंडिडेट कितने क्वालिफाइड होते हैं, 7,673, 7,673 इतने कैंडिडेट क्वालिफाइड होते हैं। मान लो अगर आप 1,11,106 कैंडिडेट को डिवाइड 15% से करते हो तो भी कितने आते हैं, 7,407 कैंडिडेट, इतने कैंडिडेट क्वालिफाइड होते हैं। और अगर आप परसेंटेज और बढ़ाते हो कि मान लो 1,11,106 कैंडिडेट को 16% से डिवाइड करते हो तो रिजल्ट आता है 6,944। तो आप ये देख सकते हो क्लियरली, यस। तो इतना इस बार 2020 में जून 28 को जो भी एग्जाम होगी उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कुछ इस प्रकार ही होगा। क्योंकि आप अगर कंपैरिजन देखो तो पिछली बार जून में 79,000 कैंडिडेट थे और इस बार तकरीबन 1,11,000 कैंडिडेट है। तो अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट की अगर 2,000 क्वांटिटी में बढ़ोतरी आई है, मतलब इतनी अगर इंक्रीमेंट है, तो ऑब्वियसली मे बी 1% और मे बी 2% तक इतना रिजल्ट हाई जा सकता है। और अगर रिजल्ट परसेंटेज वाइज ज्यादा जाता है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होते जाते हैं, मतलब उनको मान लो एक स्पेसिफिक नंबर क्वालिफाइड हुआ है लेकिन उनमें से कितने पास करने हैं वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिसाइड करती है। वो पासिंग क्राइटेरिया भी कुछ और ही होते हैं, जितने नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल है पूरे महाराष्ट्र में उसके हिसाब से वो एक बेसिक क्वालिफाइड में से पास कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। तो गाइस ये था आपका आज का वीडियो, जो वीडियो का मेन टॉपिक है कि हाउ मैनी कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू बी पास इन 2020 जून ऑन 28th। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दिस वॉज प्रोफेसर निलेश आनंदवाणी। आई होप सो यू अंडरस्टूड माई वीडियो एंड यू आर गोइंग टू यू कैन से प्रिपेयर फॉर दैट। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को।